everyone, Jai Shri Ram. So if you're new to this channel, hi, my name is Trishla and welcome back to my YouTube channel, which is Gods on Girl. Please take a moment and subscribe to my channel below. So guys, आज मैं लेके आ गई हूँ एक और celebrity inspired makeup look. So any guesses मैं आज किस celebrity का makeup करने वाली हूँ? इस line के बाद में आप video को pause करके comment में आपका answer लिख सकते हैं. रिसेंटली उस सेलिब्रिटी के बेबी का फेस रिवील हुआ था एंड अभी उसकी लेटेस्ट पिक जिसका मैं लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ उसमें उन्होंने ब्लैक कलर की वेलवेट की साड़ी पहनी. सो इसके बाद में आप वीडियो को पॉज करो और नीचे जाके अपना आंसर लिख देना कमेंट में. सो आप लोगों ने अगर सही गैस किया है तो भी अच्छी बात है, नहीं गैस किया है तो मैं आपको बता देती हूँ वो सेलिब्रिटी है आलिया भट्ट एंड दिस इज द पिक्चर. मेरे पास ब्लैक वेलवेट साड़ी नहीं है तो मैं ब्लैक स्कार्फ से ही ये लुक रिक्रिएट करूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर एट ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो एज यू ऑल गाइज नो कि आलिया भट्ट का फेस और मेकअप बहुत नेचुरल और सटल होता है तो इसमें भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, सिर्फ मस्कारा और लिपस्टिक ही थोड़ा उनका दिख रहा है हाईलाइटेड. उसके अलावा कोई ब्लश नहीं, कोई हाईलाइटर नहीं, बिल्कुल ड्यूई नेचुरल स्किन है उनकी. सो हम भी ऐसा ही करेंगे, पहले स्किन प्रेप करेंगे. मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है तो हम पहले स्किन प्रेप करेंगे, उसके बाद में जो भी नेसेसरी मेकअप होगा वो यूज़ करेंगे. सो मैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी. एक मैं यूज़ करूँगी ये शुगर का एल्कोहलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मे की लूमी क्रीम. सो इन दोनों को अप्लाई करूँगी जिससे मेरा फेस मॉइस्चराइज भी रहे और इससे मेरे फेस को थोड़ा ड्यूइनेस मिलेगी. तो मेरी स्किन प्रेप हो चुकी है, इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन बिल्कुल लाइट सा. सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन एंड इन द शेड 02 नेचुरल. मुझे ये बहुत अच्छा फाउंडेशन लगता है, बिल्कुल स्किन में सटल एकदम लाइट बेस एंड हाफ कवरेज फाउंडेशन है ये. एंड जब भी आप फाउंडेशन को नेचुरल दिखाना होता है ब्लेंड फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना चाहिए. सो अब मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी फेसेस कनाडा का 02 नेचुरल. ये मेरा शेड है. अगर मेरी स्किन टोन वाले जो भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नेचुरल 02 शेड ट्राई करना एंड इसका कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन दोनों ही काफ़ी अच्छा है. हल्का ब्रश के थोड़ा सा अपना फाउंडेशन सेट करने के लिए एंड थोड़ा सा फेस को रॉ दिखाने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी. क्योंकि आप इस पिक्चर को क्लियरली जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल रॉ स्किन लग रही है, कोई पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए कोई कंसीलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है. ऑफकोर्स किया तो हो गई बट वो उस टेक्निक से यूज़ करते हैं ताकि नेचुरल फेस नेचुरल भी लगे और मेकअप का मेकअप भी हो जाए. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग द सेम, आई गेस आई एम डन. नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई आईब्रो एंड सो एज पर द पिक्चर उसमें आईब्रोज को हाईलाइट किया गया है बट इन द नेचुरल वे, यानी मस्कारा से हम जो सेट करते हैं उस टाइप से. अब इस टाइप का ब्रश लेके मैं थोड़ी अपने आईब्रोज को कॉम कर लूंगी. सो अब मैं वर्क करूंगी अपनी आईलैशेस पे. सो मैं इस आईलैश कर्लर से अपने पहले आईलैश को कर्ल करूंगी, उसके बाद में मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी. मस्कारा के लिए यहाँ पर दो मस्कारा यूज़ करूँगी, एक है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा और दूसरा है शुगर का बोल्ड अनफोल्ड वाटरप्रूफ मस्कारा. सो
सो आइज भी हो चुकी है, अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक्स एंड उसके बाद मैं ज्वेलरी ड्रेसेस वगैरह सब पहनूंगी। सो मेरे पास है ये 3 शेड एंड आई थिंक दिस वन इज़ गुड फॉर द लुक, क्योंकि ये थोड़ा मैचिंग होगा। एंड बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया लिपस्टिक को, लिपस्टिक अप्लाई करके फिंगर से डैप डैप करते हैं उस टाइप से नेचुरल लुक के हिसाब से लगाइए। सो मेकअप हो चुका है, अब मैं बनाऊंगी हेयर स्टाइल, उसके बाद मैं पहनूंगी ज्वेलरी एंड साड़ी। सो अब हम करेंगे जुगाड़। मेरे पास ये नेक चोकर है, नेक केप है, बट द थिंग इज़ के ये बहुत बड़ा है उस लुक के लिए, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है एंड बाकी के पीसेस को मैं पीछे कर दूंगी एंड सिर्फ इस पीस को मैं आगे रखूंगी ऐसे, बाकी के पीसेस को मैं पीछे कर लूँगी, सिर्फ एक पीस आगे रखूँगी, तो नेक पीस जैसा ही लगे सिमिलर। एंड मेरे पास शॉल साड़ी नहीं है वेलवेट की, सो मेरे पास ये स्कार्फ है ब्लैक कलर का, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो हमारा फाइनल लुक होता है कंप्लीट। So guys, that's it for the today's video. I hope you really like this video. If you like this video, then give it a thumbs up, share with your friends and family, and don't forget to subscribe my YouTube channel, which is Gods on Girl. So see you in my next video. Stay safe, stay healthy, show your love. Bye.